मित्रों, आज मैं आपको एक दुनिया की विलक्षण शिक्षा पे किताब के बारे में बताऊंगा। इस किताब का नाम है तोतोचान। तोतोचान दुनिया की शिक्षा में सबसे लोकप्रिय और सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है। 1980 में जब जापान में ये पहली बार छपी तो एक वर्ष में इसकी 45 लाख प्रतियां बिकी। उसने एक तरह का रिकॉर्ड कायम किया। जापान एक बहुत छोटा सा मुल्क है, उसकी कुल आबादी कोई 16 करोड़ की है। आज केवल जापान में तोतोचान की 80 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं, यानी हर 20 में जापानी ने ना केवल तोतोचान पढ़ी है पर उसकी एक प्रति खरीदी है। 1990 में तोतोचान को हमारे नेशनल बुक ट्रस्ट ने 11 भारतीय भाषाओं में छापा और इस पुस्तक की लोकप्रियता का एक द्योतक ये है कि मराठी में अभी इसका 27वां संस्करण छपा है। हिंदी में इस पुस्तक का अनुवाद पूर्वा याग्निक कुशवाहा जी ने करा, जो बेहद ही सरस और पठनीय अनुवाद है। जब उन्होंने इसका अनुवाद करा था तो उनकी बच्ची सुकृति केवल 4 बरस की थी। वो रोज़ 8-10 पन्ने अनुवाद करती थी और अपनी बच्ची को सुनाती थी, और 3 महीने किस सपने में गुजरे इसका उनको भी कोई अंदाज नहीं। तोतोचान की लोकप्रियता का एक और द्योतक ये है कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन है, बाल भारती जो स्कूलों के लिए किताबें रचता है, वहाँ पर 6ठी की जो अंग्रेज़ी की पाठ्यपुस्तक है, जो करिकुलम की किताब है, उसके अंदर एक पाठ है तोतोचान के ऊपर, तो उसकी लोकप्रियता का ये एक द्योतक है। तोतोचान नाम कैसे पड़ा? तोतोचान दरअसल एक छोटी सी लड़की का नाम है, लेखिका का नाम है, तेत्सुकियो कुरियांगी का नाम है। बचपन में उनको तोतो के नाम से बुलाया जाता था, और जापान में इस तरह की परंपरा है कि हर बच्ची के नाम के पीछे सान या चान लगा देते हैं। इसीलिए इस किताब का नाम बच्ची के नाम तोतो और सान तोतोचान इसका नाम पड़ा। अब यह कहानी एक बेहद रोचक स्कूल की है। उस स्कूल के प्रिंसिपल थे कोबायाशी, जो एक तरह से विजनरी थे, एक तरह के दार्शनिक थे, जिनका सपना एक बेहद बाल केंद्रित स्कूल चलाना था। तो उन्होंने रेल के 9 डब्बे खरीदे, पुराने रेल के 9 डब्बे, और उनके पहिए निकाल दिए। तो ये रेल के डब्बों का स्कूल था। इसमें से एक डब्बा प्रिंसिपल का दफ्तर था, एक विज्ञान की प्रयोगशाला थी, एक पुस्तकालय था, और बाकी बच्चों के कक्षाएं थी, उनके क्लासरूम थे। अब कहानी इस तरह से शुरू होती है कि नन्हे तोतो बचपन में बहुत ही जिज्ञासु, बहुत ही चंचल होती है, जैसे सभी बच्चे होते हैं। उसकी माँ उसका एक सामान्य स्कूल में दाखिला कराती है, और नन्हे तोतो इतनी चंचल है कि स्कूल उसको बहुत उबाऊ लगता है। पर सबसे अच्छा स्थान कक्षा के अंदर स्कूल की खिड़की है, क्योंकि स्कूल की खिड़की के पास में सड़क है और जहाँ पे तमाम रोचक गतिविधियाँ होती हैं। तो दिन भर तोतो स्कूल अपनी कक्षा की खिड़की के पास खड़ी रहती है। तो इस किताब का एक उपशीर्षक है द गर्ल एट द विंडो, द लिटिल गर्ल एट द विंडो, या खिड़की के पास खड़ी लड़की। दूसरा, तोतोचान एक विलक्षण खोज करती है कि उसकी जो डेस्क है उसमें कब्जा लगा है, उसका ढक्कन खुल सकता है और बंद होता है, खुल सकता है और बंद होता है। अब इस खोज के बाद तो बस तोतोचान बार बार उसका ढक्कन खोलती है, पहले रबर रखती है और थम से ढक्कन बंद करती है, फिर खोलती है, फिर पेंसिल रखती है, फिर डेस्क का ढक्कन बंद करती है, और ये वो दिन भर करती रहती है। इससे उसकी क्लास की जो टीचर हैं वो एकदम खींच जाती हैं, वो कहती हैं बड़ी हाइपर एक्टिव लड़की है, और उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब छोटी सी 4 बरस की बच्ची को स्कूल से निकाला जाना, क्योंकि वो बहुत चंचल है,
पर तोतोचान की माँ बहुत ही संवेदनशील होती हैं। वो अपनी बच्ची को ये कभी नहीं बताती कि बेटा तुमको स्कूल से निष्कासित किया गया है, स्कूल से एक्सपेल किया गया है। वो बस तोतोचान से ये कहती हैं कि बेटा मुझे एक और बढ़िया स्कूल के बारे में मालूम है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगी, तुम्हारा मन वहाँ बहुत लगेगा। वैसे दिल में माँ बहुत घबराई हुई हैं। वो नन्ही तोतों का हाथ पकड़ करके एक नए स्कूल में लेके जाती हैं और इसकी स्कूल का नाम है तोमो। वह स्कूल में दो बड़े पेड़ लगे हैं और पेड़ के ऊपर एक तख्ती लगी है जिस पर लिखा है तोमो, और यही वो कोबायाशी का रेल का स्कूल है। अब तोतोचान दूर से देखती है कि 9 रेल के डब्बे, और वो एकदम गदगद हो जाती है। माँ उसकी उंगली पकड़ करके प्रिंसिपल के दरवाजे के पास जा करके उसको उस पे दस्तक करती हैं। जैसे ही वो अंदर घुसती हैं, कोबायाशी माँ की चेहरे की घबराहट को पहचान जाते हैं और वो कहती हैं कि आप जाइए, अपनी बच्ची को यहीं छोड़ जाइए। अब जैसे ही तोतोचान कोबायाशी से मिलती है तो सबसे पहले तपाक से एक सवाल ये पूछती है, ये बताइए कि आप स्कूल मास्टर हैं कि स्टेशन मास्टर हैं। उसके बाद में 3 घंटे तक तोतोचान अपनी राम कहानी कोबायाशी को सुनाती रहती है। उसने क्या शरारतें करी हैं, क्या खेल खेलती है, क्या खाना खाती है। 3 घंटे तक बड़बड़ करने के बाद में वो छोटी बच्ची तोतोचान एकदम थक कर पस्त हो जाती है। कोबायाशी यही कहते हैं कि बेटा अब आप स्कूल की छात्रा हैं, चलिए हम लोग खाना खाने के लिए चलते हैं। और उसके बाद में उनको वो आंगन में ले जाते हैं जहाँ जहाँ बच्चे अपना डब्बा खोल करके खाना खा रहे हैं। और कोबायाशी बच्चों से केवल एक सवाल पूछते हैं कि आपके खाने में कुछ समुद्र का है, क्या आपके खाने में कुछ पहाड़ों का है, हैव यू गॉट समथिंग फ्रॉम द सी, हैव यू गॉट समथिंग फ्रॉम द हिल्स, जिसका मतलब था कि आपके पास में समुद्र की कोई मछली है जो प्रोटीन युक्त हो, आपके पास में कोई पहाड़ों पर उगने वाले फल हैं जो जिनमें बहुत सारे विटामिन हो। अब तोतोचान को ये बहुत अच्छा लगता है। ये एक गजब की कहानी है, दुनिया 2 खेमों में बटी है, जिन लोगों ने तोतोचान पढ़ी है और जिन लोगों ने तोतोचान नहीं पढ़ी है। इस ये कि कोई शिक्षा के ऊपर एक कोई थियोरेटिकल किताब नहीं है, पर एक जीवांत अनुभव है, और कि किस तरह से हम अपने कक्षा को, स्कूल को बच्चों के लिए रोचक बना सकते हैं, बाल केंद्रित बना सकते हैं। कोबायाशी का ये विचार था कि सामान्य जो बीएड एमएड वाले शिक्षक होते हैं ये असल में बच्चों के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, तो अक्सर वो कुछ किसी अनुभवी व्यक्ति को, एक बार वो एक साइकिल मैकेनिक को स्कूल में ले आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो अपने हाथ से बहुत कुशल होता है, बहुत दक्ष होता है, तो बच्चों को बहुत आनंद आता है। इसी तरह से एक बार कोबायाशी एक किसान को बुला लाते हैं बच्चों को बागवानी सिखाने के लिए। अब इस किसान का बरसों का अनुभव है खेती करने का, तो वो बच्चों को बहुत अच्छे तरह से सिखाता है। तो एक विलक्षण स्कूल की कहानी है तोतोचान। आपसे मेरी अपील है कि इस पुस्तक को ज़रूर ज़रूर पढ़ें, आपको ये ऑनलाइन किताब आसानी से उपलब्ध हो जाएगी पढ़ने के लिए। धन्यवाद।